आज गुरु पूर्णिमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश में गुरु पूर्णिमा की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से आलोकित करने वाले और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। इसलिए तब उन्होंने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं। बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। आज कोरोना महामारी के रूप में मानवता के सामने वैसा ही संकट है जब भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। इस दिशा में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन का केयर विथ प्रेयर इनिशिएटिव यह भी बहुत प्रशंसनीय है।